टैलेंट कैन बी एनहांस्ड, आप नया टैलेंट एक्वायर नहीं कर सकते। अगर किसी बंदे में टैलेंट नहीं है, अपने आप को कैसे डेवलप करें? हमारे अंदर हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसमें टैलेंट नहीं है। क्वेश्चन सर वही है जो आपने बात कर रहे हैं एक्चुअली के राइट टैलेंट। सपोज समवन आर गुड एट एचआर एंड समवन गुड एट मैनेजमेंट, वी असाइन रिलेटिवली सेम वर्क टू देम, सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट टैलेंट इन द पर्टिकुलर लाइक मैनेजमेंट। अगर आपने रॉन्ग फिटमेंट किया है किसी टैलेंट को, वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए। ज्यादातर 70% केसेस में रॉन्ग फिटमेंट इज द रीजन फॉर लोअर परफॉर्मेंस। Good evening, friends. आज मेरा यहाँ आई एम अहमदाबाद में आने का लगभग छठा मौका है। पहले भी इसी तरह के क्लासरूम में किसी न किसी विषय पर यहाँ पे चर्चा की मैंने, लेकिन आज थोड़ा नर्वस हूँ। नर्वस क्यों हूँ आपको भी बताना चाहूँगा जो आप घर बैठे हुए देख रहे हैं इस शो को। लगभग आप 3 करोड़ लोग इस शो को देख रहे हैं। आज मुझे दोस्तों यहाँ आई एम अहमदाबाद में, जो कि टैलेंट की एक खान है, यहाँ जो ये लोग देख रहे हैं आप, ये सब कोई भी 99%, 98%, 100% से कम नंबर लेके यहाँ नहीं आए, और एक से एक प्रतिभावान यहाँ पे लोग हैं। और यहाँ पर एक प्रतिभा के बारे में चर्चा करना, टैलेंट मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करना, स्वाभाविक है कि मैं नर्वस हूँगा, पर फिर भी आप जज कीजिएगा कि किस प्रकार से हमारा इंटरेक्शन आज का आपको भी लगे घर पर, और अच्छा लगे या बुरा लगे हमें ज़रूर आप लिखिएगा। मेल आईडी वगैरह सब स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो आज लेट्स शुरुआत करते हैं टैलेंट मैनेजमेंट के विषय में। आज मुझे बहुत ही खुशी का एक एहसास हो रहा है कि हमारे साथ आज इस शो में मेरे मित्र पंकज भाई पटेल ने आना स्वीकार किया। पंकज भाई पटेल के बारे में मैं अपने दर्शकों को और आप लोगों को इतना ही बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति ये एक शायद बहुत ही आला मिसाल होगी, कुछ ही ऐसे लोग अभी इस देश में होंगे जिन लोगों ने 15-20 वर्ष से भी कम के समय में, यानी 15-20 से कम वर्ष के समय में ज़ीरो से शुरुआत करके आज 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा किया है और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे हैं पंकज भाई पटेल हमारे बीच में। उनको भी मैं बुलाऊंगा शो में, उनसे भी आप प्रश्न पूछ सकेंगे। यहाँ आए मैं अहमदाबाद में, आप दर्शकों के लिए तो शायद ये सुविधा हम नहीं जुटा पाए हैं कि आप भी प्रश्न पूछ सकें, लेकिन फिर भी आपके प्रश्न अगर पंकज भाई पटेल को भी हों तो आप हमें लिख भेजिएगा, हम ज़रूर उन तक पहुँचाएँगे, और उनसे आपके कोई प्रश्न होंगे तो आपके जवाब उनको आपके पास भिजवाएँगे। पहले तो हम ये समझें कि टैलेंट है क्या और टैलेंट मैनेजमेंट क्या है। क्या टैलेंट मैनेजमेंट एक एचआर पॉलिसी का एक भाग है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में टैलेंट मैनेजमेंट करना एक विषय है, या टैलेंट मैनेजमेंट आज के युग में, जो पहले एक समय में जो पर्सनल डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता था, उससे पर्सनल मैनेजमेंट से इम्प्रूव करके एचआर स्ट्रेटजीज़ में कन्वर्ट हुआ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ में कन्वर्ट हुआ, और आज वही चीज़ रिफाइन होते होते आज हम कहते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट जो है इज़ इक्वलेंट टू
बिजनेस पॉलिसीज और बिजनेस डिसीजन जो भी आप लेंगे अपने बिजनेस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, टैलेंट मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि एक बिजनेस का डिसीजन लेना। क्या ये विषय है टैलेंट मैनेजमेंट, या फिर टैलेंट मैनेजमेंट जो है केवल हायर द राइट टैलेंट, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो क्या है ये? इसकी मैं लिखने लगा तो मुझे लगा कि 10, 12, 15 अलग अलग डेफिनेशन उसमें आए, लेकिन आप लोग इस विषय को ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो आपके ख्याल से क्या है टैलेंट मैनेजमेंट? सर, आई थिंक राइट पर्सन इन राइट प्लेस इज़ द टैलेंट मैनेजमेंट। एवरीवन हैज़ अ यूनिक टैलेंट, सो टू मेक अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ द बेस्ट इन इट एंड देन place in the right position. For me, it is a talent management. Sir, I think the talent management is to nurturing the creativity of an individual on a particular platform. Jee. Actually, bright people at the right place is the talent management. Jee. If we distinguish between companies that were good from those that became great, the only difference is people, human resources. So it is not just recruiting the bright people. So I might be a startup and not be able to पे द बेस्ट पीपल, मैं सबसे बेस्ट टैलेंट को नहीं ला सकता, जो मेरे पास है उसका ऑप्टिमम यूज़ करके उससे बेस्ट प्रोडक्टिविटी ला के अपनी कंपनी के गोल्स को अचीव करना। सो हर इंडिविजुअल को एक टैलेंट, एक एसेट के रूप में व्यू करके। जी बिल्कुल, अच्छा कहा आपने, सबने अच्छा जवाब दिया। लेकिन देखिए 1982 तक अगर किसी कंपनी की अगर इवैल्यूएशन करनी हो तो लगभग ऐसी स्थिति थी कि 62% वैल्यूएशन किसी कंपनी को केवल उसके टेंजिबल एसेट को दी जाती थी और 38% वैल्यूएशन इनटेंजिबल एसेट को दी जाती थी। यानी इनटेंजिबल यानी जो कि हार्ड कोर एसेट नहीं है उसको। लेकिन ये स्थिति 1982 में जो थी ये बदल के केवल 20% आज के युग में केवल 20% वैल्यूएशन किसी कंपनी को टेंजिबल एसेट पे दी जाती है और 80% वैल्यूएशन इज ऑन इनटेंजिबल एसेट। और ह्यूमन रिसोर्स, टैलेंट, आईपीआर, ये सब वो इनटेंजिबल एसेट में आता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, हम लोग सब इस बात में सहमत हैं कि टैलेंट जो है, टैलेंट मैनेजमेंट जो है, ये एक बहुत बड़ा एक हिस्सा किसी भी बिजनेस का और किसी भी एंटरप्राइज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ तक के सरकारों में भी आज के दिन ये स्थिति हो गई है कि किस प्रकार से हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, नर्चर करें, उसको पहचानें, पहचान के उसको ठीक रास्ते पर लगाएं, जिससे कि हमारे हाई परफॉर्मेंस क्रिएट हो, टारगेटेड चीज़ क्रिएट हो और जो स्टेक होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो भी मीट की जा सके। मैं अभी बुलाता हूँ मेरे मित्र पंकज भाई पटेल को, वो आए और आपसे कुछ दो मिनट में उनसे आपके सामने चर्चा करूँ। वेलकम, आइए पंकज भाई। तो पंकज भाई स्वागत है आपका आज डॉक्टर सुभाष चंद्र शो में। थैंक यू। और हमारे जो व्यूअर सामने हैं आज बैठे हुए वो भी आपकी कुछ बातचीत करके, आपकी बात को सुन के ज़रूर लाभान्वित होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ पंकज भाई कि आपने जब शुरू किया 1995 में, परिवार आपका एक सम्मिलित परिवार था, उससे आप अलग हुए, लगभग आप ज़ीरो के स्थिति से आपने शुरू किया, तो ऐसा क्या चीज़ आपने किया जिससे कि आपको ना कि कामयाबी मिली और अभी भी आप उस कामयाबी पर बढ़ते चले जा रहे हैं और भगवान करे और भी आप आगे बढ़ें, क्या आप कहना चाहेंगे हमारे यूथ को और एंटरप्रेन्योर्स को? आई थिंक उसमें मैंने तीन चीज़ किया। पहला तो मैंने देखा कि जो मेरे पास, मेरे साथ में जो मेरे साथी हैं
उनको कैसे एम्पावर किया जाए कि जिससे वो ज़्यादा काम कर सके। मैं अकेला था, मुझे बहुत कुछ करने का उम्मीद था, लेकिन अकेला सब नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे टीम चाहिए। बट इम्पोर्टेंट था कि टीम को मैं कैसे एम्पावर करूँ। तो मैंने अपने बिजनेस को डिफरेंट बिजनेस यूनिट में डिवाइड कर दिया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में डिवाइड कर दिया, और हर एक जो पर्सन मेरे पास था, जिसकी कैपेबिलिटी थी, जिसको मैंने देखा था कि उसकी कैपेबिलिटी है, उनको आइडेंटिफाई करके उस बिजनेस का हेड बना दिया। यानी कि एक पंकज पटेल का मैंने, तो आपने ये कह सकते हैं कि आपने एक पंकज पटेल के 10 बनाए, और आपने उन टैलेंट को पहचाना कि किस में क्या टैलेंट है, और उस आदमी को उस बिजनेस का जवाबदारी सौंपा जिससे कि वो आगे बढ़ा सके, एक की जगह 10 पंकज पटेल बन के। करेक्ट। उसके बाद में मैंने सोचा कि ये तो ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई किया कि इनकी इनहेरेंट टैलेंट है, लेकिन अगर उनके पास कोई ध्येय नहीं है, गोल नहीं है, विजन नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे। सो आई एनकरेज एवरीबडी टू स्टार्ट थिंकिंग लॉन्ग टर्म एंड क्रिएट विजन फॉर देम कि ये 100 पे है 500 पे जाएंगे, ये 100 वाला 1000 पे जाएगा वगैरह। वो जब सब किया तो उससे सबका पूरा एक मोटिवेशन हो गया कि जिससे दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रियली एम फॉर समथिंग टेंजिबल इन फ्रंट ऑफ देम। आई इंसिस्टेड कि एवरीबडी शुड टेक अ टेंजिबल नंबर, नॉट जस्ट से मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूँ, बट मैं 100 से 1000 होना चाहता हूँ, ऐसी बात करें। तो एक आइडेंटिफाइबल गोल करने के लिए इनको मोटिवेट किया, और उन्होंने सबने अपना गोल बनाया। तीसरा चीज मैंने किया कि ये लोग तो सब कैपेबल है, टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स नहीं है। इतना कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई है कि जो कि IIM अहमदाबाद जैसे स्कूल में चले गए और अच्छी सी पढ़ाई हो गई, अच्छा सा टेक्नोलॉजी मिल गया मैनेजमेंट के, कि जिससे कि वो प्लान बना के कर सके। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ क्यों नहीं, IIM अहमदाबाद अहमदाबाद में है, हाँ। उसी में चले जाते हैं जी। उनसे ही सीख लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और सबको तकरीबन 1 महीना तक ट्रेन किया यहाँ पे विथ ऑल दी टैलेंटेड फैकल्टी हियर टू रियली अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन स्ट्रैटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान। बट वॉट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट बिकॉज मैंने अपने साथ करने वाले को अपॉर्चुनिटी दिया, तो उनका कमिटमेंट वॉज वेरी हाई। और अल्टीमेटली बिजनेस में जो भी आपके पास टैलेंट है, इफ इट इज नॉट कमिटेड टू योर वर्क और योर बिजनेस, इवन इफ इज द बेस्ट टैलेंट, ही विल नॉट प्रोड्यूस द बेस्ट। वो टू वे स्ट्रीट है, इट कैन नॉट बी डन वन वे, इट हैज टू बी, एंड दैट इज वॉट वी डिड, एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी आर नाउ टुडे। दैट्स वंडरफुल। तो दोस्तों, आपने देखा कि पंकज भाई ने किस प्रकार से टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, उनको राइट प्लेसमेंट किया, और जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्होंने उनको ढंग की ट्रेनिंग भी दे करके और आगे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आगे और भी आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि आगे हम इस शो को बढ़ाएं, मैं चाहूँगा कि आप में से कोई प्रश्न पूछना हो पंकज भाई से तो ज़रूर प्लीज़ पूछिए। हाँ, यस प्लीज सर। टैलेंट मैनेजमेंट से ज़रा सा हटके क्वेश्चन है, आप दोनों के लिए पर्सनल क्वेश्चन है। यूजुअली बिजनेसमैन या बिजनेस टाइकून या पर्सनालिटी की लाइफ में 2 टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, एक मैनमेड जो अपनी गट्स फीलिंग से वो लाता है, और दूसरा गॉड मेड डिवाइन स्पिरिचुअल सिग्नल आपको मिलती है। आप दोनों की लाइफ के ऐसे कोई 2 टर्निंग पॉइंट आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? आई थिंक अल्टीमेटली इट इज़ ऑल हार्ड वर्क, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो देर इज़ नो मैजिक की which will open the door for success. Ultimately, it is your hard work which is going to be the most important. But only hard work is not enough. So you need to really think, create strategy, create implementation to make whatever your dream comes to. But most important part is people want to do something which other person is doing, but doesn't want to do what his inner tell you that I want to do this. You might be a medical doctor, but you want to start a restaurant. There is nothing wrong in it. But the point is that I am a doctor, I have to do only medical practice. That is the kind of thing which we have in mind. See, education is there and it's very important, but that is basically developing yourself.
it does not mean that you have to only practice that. You might be a commerce graduate, does not mean you cannot become an engineer. And you can be an engineer, you can become a banker. Both are possible. The question is, what you really like is what you should do. Most of the people look around and think about others, what they've done, and I want to do the same thing, rather than doesn't think that I like this and that's what I should do it. So I think that is one thing which is I personally believe, and then along with the hard work happen. I do not believe that something divine happens and that's why I'm absolutely successful. Absolutely right. मैं आपको एक क्योंकि आपने प्रश्न दोनों से पूछा तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा गट फील के विषय में. मेरा ये मानना है कि सक्सेस जो है गट फील से ज़्यादा आप किस सिचुएशन में हैं, किस हालात में हैं, उस समय की नाजुकता क्या है, आपको क्या चाहिए, और वो अगर कठिन समय, कठिन जगह है, कठिन बात है, उसको उस कठिनाई को पार करना, किस तरह से पार करना, ये एक बड़ा अहम विषय है. मैं ये बताऊंगा कि मुझे जब मैंने 1969 में 69 में जब अपना परिवार का बिजनेस टेक ओवर करके शुरू किया, जो कि फूड ग्रेन प्रोसेसिंग का था, वर्किंग कैपिटल नहीं थी परिवार के पास, मेरे पास, तो एक ज़रूरत थी इस प्रकार की कि वर्किंग कैपिटल नहीं है तो दाल मिल कारखाना कैसे चलेगा. तो ऐसे विचार में आया कि फूड कॉरपोरेशन के पास रॉ मटेरियल है जो कि वो ख़रीदते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ज़रिए ख़रीदते हैं, फिर ट्रेड में बेचते हैं, क्यों ना मैं उनसे कहूँ कि वो मुझे दे दें, मैं उसको अपग्रेड करके मिलिट्री के लायक बना के आपको वापस दे दूँगा, अपना लेबर चार्ज ले लूँगा. तो वो इनोवेशन, चाहे इसको गट कहें, चाहे नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन कहें, वो हुआ, उससे हम आगे बढ़ते चले गए. और दूसरा जो आपने कहा कि कहीं पे कोई कॉस्मिक इंटरवेंशन क्या कुछ होता है क्या कामयाबी में, शायद होता होगा ज़रूर, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यदि अगर आप अपना क्लीन विचार हैं, क्लीन थॉट प्रोसेस है, अगर आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी हैज़ गॉट हेल्दी माइंड, उसी तरीके से अगर आपका माइंड थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी लगा हुआ है तो आपको ठीक विचार आएंगे, ठीक दिशा मिलेगी. तो उस हिसाब तक वो रोल प्ले करता है. आई होप दैट आंसर्स बोथ ऑफ योर क्वेश्चन. मैं एक बात ऐड करूँ आपके बात जी, बताइए. ये जो होता है एनी थिंग वॉट यू डू इन लाइफ, वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ यू आर स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज, इफ यू डोंट बिल्ड योर एंटरप्राइज बेस्ड ऑन वैल्यूज, यू कैनॉट अचीव सक्सेस. जो उन्होंने बताया वो वैल्यू है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल बिल्कुल जी. और प्रश्न कोई? मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, अभी तो शायद आप इतनी ये पोजीशन पे हैं कि शायद आप इंटरव्यू नहीं लेते होंगे, और आपने अभी बोला कि किसी को ट्रेन करना पड़ता है एक बार वो ज्वाइन हो जाता है तो, लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि लोग स्पार्क देखते हैं किसी में भी जब उसको इंटरव्यू लेते हैं टैलेंट हायर करने के लिए, और नॉर्मली 30 सेकेंड 40 सेकेंड में लोग डिसीजन बना लेते हैं इंटरव्यूअर्स कि ये बंदा को आगे लेके जाना चाहिए बंदी को. तो आपको ऐसा लगता है कि वो स्पार्क रियली होता है और वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है ईजिली? टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग ही प्रोसेस है इंटरव्यू का, जो मैं समझाऊं. टैलेंट को आइडेंटिफाई करना ये भी एक अपने आप में एक आर्ट है. अभी हम लोगों ने, खासकर इंडियन बिजनेस कॉरपोरेट वर्ल्ड ने, टैलेंट को उस ठीक रूप से आइडेंटिफाई इंटरव्यू के समय में नहीं कर पाए. जब आदमी काम करने लगता है साथ में तो धीरे 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 उनके टैलेंट समझ में आने लगते हैं, और उसको उसके मुताबिक प्रमोशन, डेविएशन, राइट फिटमेंट, ये सब होता है. लेकिन इनिशियली आइडेंटिफाई करना अभी भी एक इट्स इन अ वेरी इनिशियल फेजेस ऑफ द साइकिल इन दिस आवर कंट्री. जी और प्रश्न? या
The most important thing for any kind of talent management is also for startups, and particularly when you are a startups and you don't have enough funds. How exactly we can retain those talents? That is the most difficult part for any startups. I think that's the myth. People want to go and build a career anywhere they go. However, the career has to not only offer compensation, but also job satisfaction, a pleasure of working. So how do you create an atmosphere at workplace which is a pleasure of going to workplace and work? I always tell my people that our workplace should be such that when you come in the morning, you feel, oh, I'm going to office, very good, I'm happy. And I don't want to go home early. It should be an experience better than home at office. It's easy to say, difficult to achieve. But unless you create that kind of, then you won't have a retention problem. People leave only people. People don't leave for anything else. Yes. So if you're not a good leader, people are going to leave. Yes. Otherwise, they're not going to leave. देखिए, जैसा पंकज भाई ने कहा, people लोग join करते हैं companies को, लेकिन जब वो छोड़ते हैं, तो वो अपने manager को छोड़ते हैं. Talent केवल पैसे से ही नहीं retain किया जा सकता. ये आप कभी मत भूलिए. पहला हमने प्रश्न किया कि टैलेंट मैनेजमेंट क्या है, और बीच में आप लोगों ने पंकज भाई से कई सवाल किए कि टैलेंट रिटेन कैसे किया जाए, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए. सर, ट्रेनिंग कैन एनहांस टैलेंट. इफ अ पर्सन इज नोइंग हाउ टू सिंग, ही हैज अ गुड वॉइस, इफ ही गेट्स अ ट्रेनिंग, ही कैन सिंग इन अ बेटर वे, हिज टैलेंट विल बी एनहांस्ड. और बताइए और क्या है. सर, जैसे बात हुई अभी, नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड, स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड, बट द ट्रांसफर्ड नॉलेज एंड द एक्वायर्ड स्किल्स इफ प्रैक्टिस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू टैलेंट. गिव चांस टू एवरीबॉडी. सर, मैल्कम गैडवेल की एक बुक है, उसमें उन्होंने 10,000 आवर्स का एक प्रिंसिपल बताया है. तो इफ़ यू कैन रिपीटेडली डू विद शिद्दत कि 10,000 आवर्स आपने रिपीट किया, देन यू बिकम सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और मोजार्ट. So तो मुझे ये बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि कपिल देव या ये और वो बन सकते हैं 10,000 आवर का प्रैक्टिस ये वो करने के बाद, तो क्यों नहीं सचिन तेंदुलकर एक अच्छे कैप्टन बन पाए? क्योंकि कैप्टन के लिए टैलेंट्स अलग चाहिए, परफॉर्मर के लिए टैलेंट्स अलग होते हैं. ए परफॉर्मर नॉट नेसेसरीली कैन बिकम ए गुड लीडर. जी सर, एक एंथनी रॉबिन्स करके अमेरिका के एक ट्रेनर है, उनका एक थियरी है, पेन एंड प्लेजर थियरी. हर एक में जिसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं, दैट इज़ कम फ्रॉम इन स्पिरिट, फ्रॉम योर स्पिरिट समथिंग इज़ देयर इन यू. एवरीवन हैज़ यूनिक वर्क. ओके, जो इन स्पिरिट में से जो भी आप इंस्पिरेशन है, जो भी चीज़ है, उसको प्लेजर के साथ ज्वाइन कर दो. कोई भी चीज़ जैसे आपको पसंद है, किसी बच्चे को जाके अगर क्रिकेट की बात करें, उसको पसंद है, तो अपने आप उसका टैलेंट उसके बाहर आ जाता है. तो उसका एक इन स्पिरिट सोल है कि वो उसको बच्चा है, क्रिकेट अच्छा है, तो उसको प्लेजर के साथ जोड़ दो और उसको ऐसा बता दो, वो उस रास्ते से जोड़ दो कि वो रास्ता ही है प्लेजर का, जिससे वो कंटिन्यूसली उसमें जाता है, वो उसको विदाउट टायर्डनेस ही विल रीच टू दैट टैलेंट जोन. वेरी गुड, एक थियरी है. देखिए, अगर आप DSC शो के वेबसाइट पे अगर लॉगिन करेंगे, तो मैंने एक वहाँ छोटी सी किताब को पोस्ट किया है, संवाद. ये मैंने अपना संकलन किया, जगह जगह से कुछ किताबों से जो पढ़ा उसको ही किया है. उसमें मैंने लिखा, आप कभी भी आज ही जाके लॉगिन कर सकते हैं, ये टैलेंट्स किस तरह के हैं. देयर इज़ वन स्ट्राइविंग टैलेंट. स्ट्राइविंग टैलेंट एक्सप्लेन दैट व्हाट इज़ दिस इज़ वाई ऑफ ए पर्सन. स्ट्राइविंग टैलेंट में क्या चीज़ आएंगी? अचीवर, कंपटीशन, डिज़ायर, कॉम्पिटेंस, बिलीफ, दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच एक्सप्लेन्स वाई ऑफ ए पर्सन, वाई दिस पर्सन इज लाइक दिस. हम जितने लोग यहाँ हैं, हम हर एक इंडिविजुअल हैं, हम अलग अलग हैं. क्यों हम अलग हैं? वाई वी आर लाइक दिस? वाई सुभाष चंद्रा इज वॉट ही इज लाइक? Why you are like what you are? So these explains, the striving talent explain why of a person. Then comes the thinking talent. Thinking talents are the how of a person. और वो कैसे हैं, क्या है, are you focused or not? आप disciplined हैं कि नहीं हैं,
उसके बाद है रिलेटिंग टैलेंट, दैट इज द हु ऑफ ए पर्सन. उसमें क्या आ जाता है, डू यू हैव एम्पैथी, डू यू हैव अ क्वालिटी दैट यू कैन वू द अदर्स, गेट अप्रूवल ऑफ द अदर्स और नॉट, आर यू मल्टी रिलेटर, बहुत अलग अलग लोगों से, अलग तरह के लोगों से आप रिलेट कर सकते हैं. आर यू स्टिमुलेशन टैलेंट, आर यू टीम प्लेयर, डू यू हैव पॉजिटिविटी, ऑल दीज काइंड ऑफ रिलेटिंग टैलेंट्स आर ऑल्सो इन दैट फैशन. सो ये जो चीज़ हम लोगों ने तो ये समझा कि why and how and who of a person are the talents, and they are only either you have it or you don't have it. एक book मैंने पढ़ी, first break all the rules. I don't know आप में से किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उसको, क्योंकि आज का conventional method क्या है management का, कि जो आदमी, मैं एक company को चलाता हूँ, I am the chairman of the company, मैं, मेरा एचआर आदमी कहता साहब मैंने ये लोग आइडेंटिफाई किए हैं, इनके अंदर ट्रेनिंग नीड है, वो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारते हैं. लेकिन ये जो ब्रेक द रूल्स है वो ये है कि आप, यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद योर बेस्ट परफॉर्मिंग पीपल, नॉट विद द पीपल दोज हु हैव गॉट प्रॉब्लम. आज हमारा जो यूथ है वो मल्टीनेशनल कंपनीज को या विदेशी कंपनियों के अंदर क्यों ज्वाइन करना चाहता है बजाय इसके कि इंडियन कंपनीज को. मैं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा था पिछले 5-7 मिनट से, तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हम लोग प्रोसेसेस में मार खा जाते हैं, सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने में मार खा जाते हैं, हमारी जो आइडेंटिफाई करने की जो हमारी परफॉर्मेंस, उनकी रिव्यू करने के जो प्रोसेसेस हैं वो दे आर मोर सब्जेक्टिव देन बीइंग ऑब्जेक्टिव. कई तरह की इस तरह की मार खा जाती है. जैसे हमने एग्जांपल इसमें दिए हैं कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को क्या कुछ टैलेंट चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं, जो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में समझा है कि तीन तरह के जो टैलेंट हैं इसमें से कम आपके पास 2 टैलेंट होने चाहिए. तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हमने कहा कि अचीवर एंड सर्विस एज ए ओरिएंटेशन होना चाहिए. मतलब अलग अलग टैलेंट्स का हमने इस पर एग्जाम्पल भी दिए, तो आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आपको इसमें समझ आएगा कि क्या किया जा सकता है. क्योंकि जितनी भी चीज़ें, जैसे उन्होंने बताया कि एट बेस्ट ए टैलेंट कैन बी एनहांस्ड, आप नया टैलेंट एक्वायर नहीं कर सकते. एज यू राइटली सेड, आइदर यू हैव इट और यू डोंट. अगर किसी बंदे में टैलेंट नहीं है तो अपने आप को कैसे डेवलप करें? देखिए, हमारे अंदर हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है. कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसमें टैलेंट नहीं है. मेरा क्वेश्चन सर वही है जो आपने बात कर रहे हैं एक्चुअली, कि राइट टैलेंट है. सपोज समवन आर गुड एट एचआर एंड समवन आर गुड एट मैनेजमेंट, वी असाइन रिलेटिवली सेम वर्क टू देम. सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट टैलेंट इन द पर्टिकुलर, लाइक मैनेजमेंट. देखिए, अगर आपने रॉन्ग फिटमेंट किया है किसी टैलेंट को, तो वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएगा या परफॉर्म नहीं कर पाएगी. तो जब आपके परफॉर्मेंस लेवल नीचे है, और अगर आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस आइडेंटिफिकेशन और परफॉर्मेंस, अगर आपके टूल्स आपने ठीक से डिफाइन किए हैं, तो आपको देर नहीं लगेगी ये पहचानने में कि यहाँ परफॉर्मेंस ठीक नहीं है. और उसका पहला एक सीधा सा जवाब है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कोई गलत फिटमेंट तो नहीं कर दिया. ज़्यादातर 70% केसेस में रोंग फिटमेंट इज द रीज़न फॉर लोअर परफॉर्मेंस. हमने सिंपली ले लिया कि MBA है, जर्नलिस्ट है, वो बड़ा IIM अहमदाबाद से निकल के आया है भाई, उसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है. तो सच में, लेकिन वहाँ भी उसके टैलेंट अलग अलग हैं. एक ही क्लास से निकले हुए, एक सब्जेक्ट से आप पास किए हुए, सब अव्वल दर्जे से पास हुए, लेकिन फिर भी आपका टैलेंट अलग है. उसको पहचानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा. उसी तरह का
जॉब उसी तरह की इंडस्ट्री उसी तरह की चीज़ अगर जब तक नहीं देंगे तो वो फ्लावर ब्लूम नहीं करेगा पूरी तरह से। गुड इवनिंग सर, जैसे आपने स्टार्ट किया कि वर्किंग कैपिटल नहीं था आपके पास, तो वहाँ से आप लेबर काम किया, ठीक है, वहाँ से लेबर करते करते इतना आगे तक कैसे आ गए, ऐसा क्या टैलेंट निकला उसमें? वो क्या टैलेंट था? आप मेरा टैलेंट जानना चाहते हैं? नहीं, वो टैलेंट उनको बताएंगे तो हम तो कुछ करेंगे। अच्छा चलिए, एक वायदा करिए कि जब आप अपनी कंपनी शुरू करेंगे तो मुझे नौकरी देंगे। मैं भी एक दुकानदार ही हूँ, गांधी रोड पे मेरी दुकान ही है, तो वही पोजीशन पे मैं हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा। तो सब तो है, अभी वो टैलेंट तो निकल रहा है बाहर, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो वो टैलेंट थोड़ा दिखाई, मुझे नहीं पता कि क्या टैलेंट था क्या नहीं था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने कभी भी ना को हाँ नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा विस्तार से। जब वकील ने कहा कि ये काम आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मैंने कहा भाई ये फलां आदमी कैसे करता है, हम क्यों नहीं कर सकते? नोट टेकिंग नो फॉर एन आंसर एंड ट्राई एंड फाइंड सोल्यूशन मीन्स यू ऑलवेज, आई वॉज ऑलवेज असर्टिव। शॉर्ट में बता देता हूँ कि हाउ टू मैनेज द टैलेंट। मैंने एक लिखा कि बिजनेस डिसीजन और टैलेंट हायरिंग डिसीजन शुड गेट सिमिलर सेम इम्पोर्टेंस एज ए बिजनेस डिसीजन इज, ये इसको कम इम्पोर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। ओनली द पर्सन सेटिंग द टेबल शुड बी डूइंग टैलेंट मैनेजमेंट। मैं एक उदाहरण के रूप से आपको बताता हूँ कि पिछले दिनों हमारी एक कंपनी में हमने एक तय किया कि हमको जो आज के दिन जो बाउंड्रीज हैं, वी हैव टू गेट टू द नेक्स्ट ऑर्बिट कम्प्लीटली फ्रॉम वेयर वी आर। नेक्स्ट ऑर्बिट को तोड़ने के लिए हमने आइडेंटिफाई करके ढूंढ ढांढ के कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट 3-4 लोगों को ढूंढा जो हमको गाइड कर सकते हैं, हमारे को हाथ पकड़ के आगे तक ले जा सकते हैं। तो मैंने अपने CEO को कहा कि भैया ये लोग मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, इनको आप लीजिए अपनी कंपनी में और हर लेवल पे हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं कि हम जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इससे आगे तो हो ही नहीं सकता, ये बेंचमार्क है वर्ल्ड ओवर इस इंडस्ट्री में, इस चीज़ का ये बेंचमार्क है, उससे हम आगे की सोच नहीं सकते। हम कहते हैं यार ये तो बेस्ट बेंचमार्क है, उसको हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहाँ पहुँच गए तब हम वहाँ रुक जाते, उससे आगे बढ़ने की सोचते नहीं है। मैंने कहा नहीं, हमको नया ऑर्बिट ढूंढना है, उसके लिए क्या करना? तो CEO साहब ने क्या किया कि उनसे बातचीत की, उनको बताया अपने कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, और फिर उनको कह दिया कि अच्छा मेरी जो HR मैनेजर है वो अब आके इसे आपसे डील करेगी, वहीं पे किल कर दिया सब। तो मैंने कहा भाई नहीं, अगर आपको ये नए बेंचमार्क क्रिएट करने हैं, नए ऑर्बिट में जाना है, तो आपको यू आर दिस पर्सन हु इज सेटिंग द टेबल, आपको करना पड़ेगा। जो टेबल पे बैठने वाला एक आदमी है HR मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर या और दूसरा आदमी, वो अगर उसको करेगा नहीं कर पाएगा। तो टैलेंट मैनेजमेंट के लिए भी हमने कहा कि जो आदमी टेबल पे सेटल करने वाला है यानी नंबर वन मैन टॉप मैन, दे ओनली हैव टू टेक दिस सीरियसली टू द टैलेंट मैनेजमेंट। देन यू मस्ट नो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। टैलेंट मैनेजमेंट से पहले भी आप क्या देखना चाहते हैं, किस तरह का टैलेंट आपको चाहिए, वो आपको ज़रा बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेंसीज और पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ये जो दो नाम है ना सब, ये भी टैलेंट के दूसरा तरह का क्वाइन का दूसरा रूप है। इसको कॉम्पिटेंसीज एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो इंसान के होते हैं वो भी टैलेंट का दूसरा नाम मैं समझता हूँ है। और टैलेंट की जो पाइपलाइन किसी भी कंपनी में क्रिएट करेंगे, दैट इज़ एज गुड एज द वीकेस्ट लिंक।
ये समझ के हमको टैलेंट मैपिंग करनी पड़ेगी, उसके आगे चलना पड़ेगा. टैलेंट मैनेजमेंट डू नॉट फॉलो अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. ये हमने पहले आपको, मैंने भी आपको बात करते हुए भी बताया कि स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम विद योर बेस्ट पर्सन रादर देन द रिमूविंग द वीकनेस ऑफ द पर्सन. पोटेंशियल परफॉर्मेंस एंड रेडीनेस, दीज आर ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स. इसको समझ के हमको टैलेंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा. एंड ऑफकोर्स पुट द राइट पीपल इन टू द राइट प्लेस. सो ये कुछ बातें हमने टैलेंट मैनेजमेंट की और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com. या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं. बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर.